चलेंगे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के जो बहुत ही खास व्यक्ति हैं मायावी, उनकी तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे किस तरीके से ये पूरी टीम का जो सफर है वो यहाँ तक पहुंचा है और क्या क्या चीजें उन्होंने अपनी टीम को सिखाई है। मायावी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मेजी स्पीरो, बहुत ही बढ़िया इवेंट था, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप दोनों कैसे हैं? बहुत प्यारे लग रहे हैं स्पीरो, खासकर अपने स्पीरो। तो स्पीरो बस यहाँ से थोड़ा गोवा निकलने वाले हैं, हल्के हाथ से निकल लेंगे तो रेडी है वो पूरी तरीके से, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सुबह होने वाली है थोड़ी देर में, थोड़ी नहीं 6 घंटे बाद। मायावी मैं आपसे जरूर चाहूंगा भाई, ये जो आखिरी जी स्पीरो आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, हम बात करेंगे, आप सवाल पूछिए पहले मायावी से। नहीं मैं बस पूछने वाला था किस तरीके से एडमिनो ये जो आखिरी मैच में हील बैटल वाली सिचुएशन थी, ये क्या बस आईजीएल के द्वारा कॉल की गई या फिर आपका भी कुछ उसमें हाथ था? देखिए मैं क्रेडिट नहीं लूंगा इस चीज में, बट ये एक प्लान था हमारा, ये एक काउंटर प्लान था कि अगर जोन हमें फेवर नहीं करता है तो हम बैकअप पे अपने पास हीलिंग्स रखेंगे, इन केस एनिग्मा अगर टॉप 3 या टॉप 4 तक आता भी है तो हमारे पास इतनी हीलिंग्स हो कि फाइट इतनी ज्यादा हो रही है लॉबी में, इतना ज्यादा अभी कंजेस्टन चल रहा है कि हो जाएगा, हम हील बैटल करके भी टॉप 2 टॉप 3 तक आ जाएंगे। तो वो चीज क्लिक कर गया एंड बहुत कम मार्जिन से बट जीत गए। मायावी आपसे टेक्निकल क्वेश्चन तो जरूर पूछूंगा बट अभी के लिए पूछना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है एक यंग टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, आई मीन एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट करती है यंग प्लेयर्स के ऊपर, आपने बहुत मेहनत करी, आप बहुत पैशनेटली उनके साथ काम किया, वो मोमेंट जब आपको पता चला तो कैसी फीलिंग थी वो? देखिए इससे बढ़िया मोमेंट मेरे लिए अभी लास्ट के 3 महीनों में कोई भी नहीं थी, लास्ट 3 महीने से शायद मैंने कोई मैच कास्ट नहीं करा, मैंने अपना पूरा टाइम फुल फोकस इस टीम पर दिया है एंड यही चाहता था। एक दिन आज मुझे मेरे आईजीएल ने मैसेज भी करा कि मावी भाई आपका सपना पूरा हो गया, आपने कहा था कि आप इंटरव्यू लेना नहीं चाहते हो, एक इंटरव्यू देना चाहते हो, तो बिल्कुल ये मेरे एक छोटे से गोल में से था एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माय बॉय। जी बिल्कुल, और ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने उस तरीके से खेला भी है जो आप चाहते थे, वो चीज़ उन्होंने करके दिखाई, आपकी मेहनत भी उसमें कहीं ना कहीं छुपी हुई है, तभी वो लोग यहाँ पे पहुँचे हुए खेल रहे हैं। बट एक और चीज़, हम हमेशा बात करते हैं कि टीम खेल रही है अच्छी बात है, बट उनके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो उनको चाहते हैं कि नहीं वो आगे जाते रहें, वो किस तरीके का सपोर्ट आपकी तरफ से उन्हें मिला? देखिए हम जब कास्टिंग भी करते थे तो बहुत से अंडरडॉग्स को हमने नोट किया है, स्पीरो भी आप भी कितने लंबे समय से हम अंडरडॉग्स को खेलते हुए देखते आ रहे थे, बट हमेशा से ही एसजी, एक्सो, गॉडलाइक सोल सारी टीवन टीम्स टूर्नामेंट जीती हुई दिखती थी, अंडरडॉग्स को मौका मिलता था बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्सपीरियंस और लैक ऑफ थोड़ा सा सपोर्ट की वजह से अंडरडॉग टीम्स क्वालिफाई करके फाइनल्स तक आ तो जाती थी बट जीत नहीं पाती थी। बहुत कम टीम्स मैंने अभी तक ऐसी देखी है जो टॉप 10 या टॉप 8 में भी फिनिश कर जाए, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी ऐसी लगी कि थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, अच्छी गाइडेंस अगर इनमें से किसी भी एक अंडरडॉग टीम को मिल जाए तो बिल्कुल एक टीवन टीम को कम्पीट किया जा सकता है एंड अब हम उस राह पे चल रहे हैं। लोग चैट में बोल रहे हैं कि एकदम से कैसे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स इतना अच्छा खेल रहा है, बट शायद नहीं जानते कि हम 4 महीने से काम कर रहे हैं। जो लोग अच्छे से फॉलो करते हैं टीम मायावी के नाम से, बहुत टाइम से आप देख रहे होंगे, BGIS में भी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे हम, बट अब जिस मुकाम तक हम आ चुके हैं, जितनी प्रैक्टिस, जितना ग्राइंड, एक एक छोटी छोटी गलती पे काम करते करते जब हम यहाँ तक आ चुके हैं, आई थिंक वी आर ऑल सेट। अब एक टीवन टीम तक को टक्कर देने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। जी हाँ, मैं अभी यहाँ तक का जो आपका सफर था बहुत सुहाना रहा, बट व्हाट आर द प्लान्स फॉर फ्यूचर नाउ? क्या ऑफिशियल टूर्नामेंट जो आने वाले हैं उसके लिए कैसी तैयारी चल रही है एंड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स से? देखिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी सी भी जो गलतियां रहती है, हम कास्टिंग करते हुए बोलते थे कि मैं अपनी गलतियों को लिखो ताकि वो दोबारा ना हो, बस उसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। 60-70 मैचेस हमने रूथलेस के इवेंट के भी खेले, क्वार्टर फाइनल से खेलते हुए आए हैं, तो जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस थे उनसे सीखा ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो, बस इसी छोटे से मंत्रा को फॉलो करते करते हम अपने टूर्नामेंट्स को खेलेंगे, भले वो ऑफिशियल हो या थर्ड पार्टी इवेंट हो। MS धोनी के एक इंटरव्यू में हमने सुना था कि डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स, थिंक अबाउट कंट्रोलेबल्स, तो हम उन्हीं चीजों को जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उन पे ज्यादा काम करेंगे, इन द एंड रिजल्ट आएगा तो वो हम सबके लिए बहुत बेटर। मैं भी हमेशा से सुनते आ रहे हैं, मैं हम स्पीरो से थोड़ी देर पहले इसी चीज़ के बारे में चर्चा कर रहा था कि जब लोग आपके बारे में कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप अच्छी राह पे हो, तो अभी अगर कोई ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के लिए कुछ बोल भी रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि हाँ आप अच्छी राह पे चल रहे हो। देखिए एक टाइम था जब जोनाथन को हैकर बोला गया था, आज सब जानते हैं जोनाथन कहाँ है, TSM एक नई टीम आई थी तो उनको भी सब हैकर हैकर बोल रहे थे, बट इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर मेजी, कुछ लोग हैं जो अडॉप्ट नहीं कर पाते कि एक नई टीम आके एकदम से इतना अच्छा कैसे कर सकती है, बट कुछ लोग हैं जो इस चीज पर काम कर रहे हैं कि एक नई टीम आके क्यों नहीं अच्छा कर सकती है,
तो जब वो आती है चीज सामने तो उसे अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। I'm totally okay with it. हम उल्टा उसको मोटिवेशन ले रहे हैं, हमने स्क्रीनशॉट्स भी लिए चैट के कि आगे चल के यही चीज हमारे काम आएगी एंड यही लोग जो आज जी हैकर जी ESP स्पैम कर रहे हैं वो एक दिन जी फाइटिंग भी स्पैम करेंगे। जी हाँ, देखिए आपने यहाँ पे फैंस की बात करी, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो जी को बहुत समय से लॉयल सपोर्टर्स हैं जिनके मैसेज भी आते हैं, हम भी बात करते थे मायावी जीत के मैसेज आते थे हमें, बहुत सारे ऐसे अलग अलग नाम से जिनके से मैसेज आते थे, अब नए फैंस भी जुड़ रहे हैं। इस तरह के प्रदर्शन देख के हमेशा नए फैंस जुड़ते हैं, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे उन नए फैंस को, उन पुराने फैंस को, क्योंकि ग्लोबल स्पोर्ट्स BGMI में बहुत समय के बाद एक अच्छी वापसी कर रहा है, टूर्नामेंट जीता है, डू यू वांट टू से एनीथिंग टू दोस फैंस? बस अपने जितने भी हमारे ग्लोबल स्पोर्ट्स के सपोर्टर्स हैं हमारे हैशटैग में भरोसा रखिए, जी फाइटिंग टिल दी वेरी एंड। आपने आज के इस टूर्नामेंट में भी देखा कि आखिरी दम तक आखिरी प्लेयर तक भी फाइट नहीं आ रही है, दैट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ जी फाइटिंग। तो उस हैशटैग में हम भरोसा करते हैं, आप हम पे भरोसा करें, पूरी कोशिश रहेगी कि कभी निराश नहीं करेंगे एंड आगे चल के जितने भी और टूर्नामेंट्स हैं सब में अपना बेस्ट देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मायावी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद करते हैं आगे हम ऐसे आपसे मिलते रहेंगे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीम्स एंड फॉर योर फ्यूचर। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जाने से पहले कुछ बहुत बढ़िया शाउट आउट्स मैं देना चाहूंगा अपनी तरफ से। मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ एनिग्मा की परफॉर्मेंस से, जैसा उनका हैशटैग है फियर द एनिग्मा, डर तो बिठाया उन्होंने भी। जी एग्जैक्टली स्पीरो बीइंग अ ग्लोबल स्पोर्ट्स मेंबर जी फाइटिंग टोटली एंड अ बिग शाउट आउट टू ऑल द कास्टर्स मेजी स्पीरो एंड खासकर हमारे साथ जो बीच में टूर्नामेंट में जो दो और कास्टर्स थे रूपर एंड उनके साथ एक और कास्टर थे डिवाइन, सबने बहुत ही बेहतरीन काम किया है एंड हैट्स ऑफ टू द प्रोडक्शन। सीरियसली इतनी छोटी छोटी डिटेल्स भी मैप स्ट्रीम से लेके लाइव स्टेटस तक सब कुछ ऑन पॉइंट था, दिस वाज अ रॉकिंग शो एंड अ बिग शाउट आउट टू रूथलेस ईस्पोर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया माया, माई प्रोडक्शन एंड सारी टीम जरूर हमारे साथ ये सारी चीजें सुन रहे होगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू स्पिरो, मैं भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ है।